गया 2a plus 14 minus 1 t equals to 280 by 7, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में ना उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 2a plus 13 t equals to 40, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये क्या बोला था, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एंड टर्म, मतलब ये फाइंड आउट करना है आपको। तो ये फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको ए की वैल्यू और डी की वैल्यू जाननी पड़ेगी। तो फिर से ए और डी की वैल्यू आप वैसे ही कर सकते, सबट्रैक्ट कर दे सकते हैं, क्योंकि देखो ये और ये सेम हो रहा है, तो सबट्रैक्टिंग लिखेंगे, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन टू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2a plus 13d minus 2a minus 3d equals to 40 minus 20, ठीक है। तो ये 2a 2a कैंसिल आउट हो गया, और 13 में से 3d है तो 10d equals to 3d कितना हो गया 20, तो therefore d की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब d की वैल्यू 2 आ गई तो किसी में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड में पुट कर दो, a मिल जाएगा। तो 2a प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू क्या हो गया 20, तो 2a प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू क्या हो गया 20, तो 2a इक्वल टू उधर जाकर के माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 14, तो a इक्वल टू कितना हो गया 7। तो हमें क्या मिल गया, a मिल गया, d मिल गया। आइए पुट करते हैं यहाँ पे n बाई 2, 2 ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास 7 है, प्लस n माइनस 1, डी कितना है हमारे पास, डी 2 है, तो n बाई 2, फिर ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा कितना, अच्छा 2 कॉमन ले लो, बाहर ही ले लो 2 कॉमन, ठीक है, कोई मल्टीप्लाई कर दो, 2 बार कॉमन ले लिए तो हो जाएगा ये n बाई 2 इंटू 2 कॉमन बाहर लिया तो 7 प्लस ये हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, ये 2 कैंसिल आउट होंगे, तो n ये 7 से 1 गया तो क्या हो गया 6 प्लस n, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। चाहे इसको आप ऐसे भी लिख लो, sn इक्वल्स टू n n प्लस 6, ठीक है, दैट इज योर फाइनल आंसर। एक बार मैं चेक आउट कर लेता हूँ आंसर, ये कैसा है, सही आया गलत आया, आंसर आपको n n plus 6, परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो स्क्रीनशॉट लेना आप लोग ले सकते हो, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर नहीं आने से आप लोग कमेंट करना, और जो भी दिक्कतें हैं डाउट्स हैं वो मैं लाइव सेशन में आप लोग के डाउट्स क्लियर कर दूंगा, बट मुझे नहीं लगता है कि लाइक मैंने एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया आप लोग को कुछ दिक्कत परेशानी हुई होगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से अपना ध्यान रखिए, और बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो मैं बोलूँगा बस पढ़ाई करो, ठीक है, ओके, बाय बाय, थैंक यू।